हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ऑनलाइन क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज जो हम यहाँ चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो और आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम के अंदर लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जो बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज का यूज करके उसको सोल्व करना होता है। तो यहाँ जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा 15, जो मैंने एनसीईआरटी बुक से लिए हैं। एनसीईआरटी में से जो लगभग जो मैं आपको बता देता हूँ कि जो एनडीए के एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो 100% एनसीईआरटी के सिलेबस में आते हैं। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी के अंदर भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो अपने को सिलेक्ट करने होते हैं, भी आ सकता है एग्जाम के अंदर या नहीं। तो उसमें बुक में से और कई डिफरेंट बुक्स में से मैंने ये 15 क्वेश्चन लिए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनडीए के एग्जाम के अंदर। इस लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बहुत बार जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एनडीए से रिलेटेड की ये जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो भी वीडियो है, जो भी थ्योरी पार्ट है, वो सारा का सारा मैंने कवर करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियोज देख सकते हैं। ठीक है ना, तो बाकी चैप्टर्स भी मैंने करवाए हुए हैं, वो सारे के सारे आपको मेरे चैनल के अंदर जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वहाँ आपको मिल जाएंगे। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उन वीडियोज़ का लिंक जो है मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन अपना। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ √3 को secant 20° माइनस में secant 20°। ठीक है, √3 को secant 20° माइनस में secant 20। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनको साइन कोस में चेंज कर लेते हैं। सेकेंड कोसिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/sin 20 माइनस में सिकेंट को मैं लिख सकता हूँ 1/cos। अब जो है एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या आएगा मेरे पास, sin 20 × cos 20। इस कोस की मल्टीप्लाई यहाँ 1 के साथ, तो मतलब ये क्या आ जाएगा √3 cos 20 माइनस में ये क्या आ जाएगा मेरे पास sin 20। ठीक है, क्या करते हैं ऊपर वाले टर्म न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। जब डिवाइड करूँगा तो उस डिवाइड वाले टर्म को मैं अंदर लिख लेता हूँ इस टाइप से। ठीक है, लिख सकते हैं क्योंकि डिवाइड होगा तो अंदर दोनों से डिवाइड होगा, डिवाइड बाय। इस डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर लेते हैं, उसको ऐसे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, अब देखो क्या होगा मेरे पास, यहाँ ये 2 × में ये क्या आएगा √3/2। √3/2 को मैं लिख सकता हूँ sin 60, क्योंकि sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, इंटू में क्या आ जाएगा cos 20। माइनस में 1/2, 1/2 को मैं लिख लेता हूँ cos 60, क्योंकि cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, इंटू में क्या आएगा sin 20। ऐसा इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट ये होगा कि अब जो यहाँ फॉर्मूला बन गया sin A cos B माइनस में cos A − sin B इंटू में sin B, तो sin A − B का फॉर्मूला। और यहाँ जो ये 2 था ये क्या आ जाएगा ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और ये 2 sin θ cos θ, तो ये sin 2θ मतलब 40° हो जाएगा। अब देखो 2 × 2 कितना हो जाएगा मेरे पास 4, और यहाँ मैं फॉर्मूला यूज करूंगा sin A − B का, sin A cos B माइनस में cos A sin B। तो ये sin A − B, तो 60 − 20 कितना हो जाएगा 40, तो ये 20 आ जाएगा sin 40 / sin 40, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा मेरे पास 4। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ थीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट देन, इसकी जो वैल्यू है मेरे को फाइंड आउट करनी थी, स्क्वायर रूट के अंदर ये लिखे हुए हैं, तो पहले मैं इसको लिख लेता हूँ क्या, √1 − sin θ / √1 + sin θ, इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो क्या √A/B को मैं लिख सकता हूँ √A/√B। सिमिलरली इसको मैं लिख लेता हूँ क्या √1 + sin θ × √1 − sin θ। ठीक है, एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों के प्रोडक्ट आएगा नीचे, तो ये आ जाएगा √1 + sin θ × √1 − sin θ। यहाँ इसकी प्रोडक्ट क्या होगी इसके साथ, तो देखो क्या होता है √x × √x किसके इक्वल आता है मेरे पास x के इक्वल आता है, वैसे ही इसकी प्रोडक्ट इसके साथ किसके इक्वल आएगा, ये 1 − sin θ के। सिमिलरली इसकी प्रोडक्ट जब मैं इसके साथ करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा 1 + sin θ, ये sin θ से sin θ कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा 2/। अब देखो यहाँ जो है इसको मैं क्या लिखूँगा, देखो √A × B को मैं लिख सकता हूँ √A × √B, वैसे √A × √B को क्या लिख सकते हैं ये, तो इनको मैं इकट्ठा लिखूँगा, इकट्ठा लिखेंगे तो 1 + sin θ और यहाँ 1 − sin θ, तो a + b a − b, तो a² − b² ये क्या हो जाएगा 2/।
अब देखो ये फॉर्मूला किसका होता है, कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, लेकिन ये कहता है कि जो थीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, तो उस केस में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो आपको यहाँ क्या लगाना है, नेगेटिव, बस याद रखना, क्योंकि स्क्वायर रूट करूंगा तो प्लस माइनस कोस थीटा आएगा, और प्लस माइनस कोस थीटा, थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस क्या रहता है, नेगेटिव, तो ये माइनस का कोस थीटा, ये क्या जाएगा, माइनस का टू सीकेंट थीटा, क्योंकि इस कोस को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो वो क्या बन जाएगा, सीकेंट बन जाएगा, तो इस केस में मेरा जो आंसर है वो क्या जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 9, टेंजेंट 27, माइनस में 63 और प्लस का 81, तो यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, आप इसको ऐसा ही कर लेना, ठीक है। टेंजेंट 9 माइनस में टेंजेंट 27 और ये माइनस में टेंजेंट 63 और ये प्लस में टेंजेंट 81, ठीक है। देखो, और मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं पहले जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जो है इसकी पीडीएफ सेंड कर देता हूँ, उसके बाद जो है वीडियो बनाता हूँ, ताकि कुछ क्वेश्चन जो है आप खुद से ट्राई करें, और जो क्वेश्चन समझ में ना आए वो यहाँ वीडियो में आप देख सकें, ठीक है ना। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ये टेंजेंट 9 माइनस में 27, इसको मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट 9 रखते हैं, इसको मैं 27 ही रखता हूँ, लेकिन इसको मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट, इसको लिख सकते हैं 90 माइनस में 27, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख सकते हैं टेंजेंट 90 माइनस में 9, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट 9 माइनस में टेंजेंट 27, और देखो ये टेंजेंट 90 माइनस में 10, तो ये मेरे पास टेंजेंट क्या बना, 90 माइनस में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोट ऑफ थीटा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, कोट 27 और ये प्लस में क्या आ जाएगा मेरे पास, कोट 9, इन दोनों को मैं इकट्ठा लिखता हूँ, इन दोनों को इकट्ठा लिखता हूँ, तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट 9 प्लस में कोट 9, ठीक है, और ये माइनस कॉमन लेने के बाद ये क्या आ जाएगा, टेंजेंट 27 प्लस में कोट 27। साइन कोस में चेंज करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 9 बाय कोस 9, प्लस में इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 9 बाय साइन 9, सिमिलरली इसको मैं लिख लूंगा साइन 27 बाय कोस 27, प्लस में ये हो जाएगा मेरे पास कोस 27 बाय साइन 27। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या आएगा इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो क्या आएगा ये मेरे पास साइन 9 इंटू में कोस 9, देखो इसकी प्रोडक्ट जब मैं इसके साथ करूंगा तो साइन स्क्वायर, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे कोस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 1 होता है। सिमिलरली यहां मेरे पास क्या आएगा साइन 27 इंटू में कोस 27, और इसकी भी प्रोडक्ट करेंगे इसके इसके साथ साइन स्क्वायर, इसके इसके साथ कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, अब जो यहां बन गया मेरे पास साइन 2 थीटा मतलब साइन 18 और यहां साइन 2 थीटा मतलब साइन 54, ठीक है। साइन 18 डिग्री की वैल्यू क्या होती है मेरे पास, साइन 18 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास, रूट 5 माइनस 1 बाय 4, और साइन 54 की वैल्यू क्या होती है, रूट 5 प्लस 1 बाय 4, ये दोनों वैल्यू यहां जो है पुट करोगे, पुट करने के बाद जब इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है, पुट करने के बाद सिंपल हो जाएगा ये, तो बी जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है द वन रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, इस इक्वेशन का मेरे को एक रूट निकालना है, इक्वेशन क्या दी हुई है, साइन थीटा प्लस में साइन 3 थीटा प्लस में साइन 5 थीटा, साइन 5 थीटा को मैं आगे लिख लेता हूँ, प्लस में लिख लेता हूँ साइन थीटा, प्लस में लिख लेता हूँ साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, साइन ए प्लस में साइन बी तो 2 साइन ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, इन दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये थीटा आ जाएगा, कोस ए माइनस बी डिवाइड बाय 2 इसमें जिसको माइनस करेंगे 4 थीटा डिवाइड बाय 2 करेंगे 2 थीटा आ जाएगा, प्लस में साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0, क्या कॉमन है साइन 3 थीटा कॉमन है, साइन 3 थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, दो की प्रोडक्ट क्या है 0, इसका मतलब या तो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 होगा या 2 कोस 2 थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ देखो साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब साइन 3 थीटा इज इक्वल टू क्या, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 0, तो देखो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है साइन एक्स इज इक्वल टू क्या साइन वाई हो तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा एन पाई प्लस में माइनस वन की पावर एन इंटू में वाई, और जो एन है वो किसको बिलोंग करता है जेड को मतलब इंटीजर को, तो यहाँ थीटा एक्स की जगह क्या है 3 थीटा है और वाई की जगह क्या है 0, यहाँ मैं 0 पुट करूँगा तो इतने टर्म क्या हो जाएगी 0, तो बचेगा क्या 3 थीटा इज इक्वल टू क्या एन पाई, थीटा की वैल्यू क्या है कि एन पाई बाय 3, और यहाँ याद रखना कि जो एन है वो किसको बिलोंग करता है जेड को, और अगर एन की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 1 पाई बाय 3, इसका मतलब पाई बाय 3 जो है इसका एक रूट होगा, तो ए जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इस टर्म की जो वैल्यू है मेरे को फाइंड आउट करनी है। क्या दिया हुआ है, वन प्लस में कोस पाई बाय एट, यहाँ दिया है वन प्लस में कोस थ्री पाई बाय एट, और यहाँ दिया हुआ है वन, देखो इसको मैं लिख लेता हूँ कोस, यहाँ क्या है कोस फाइव पाई बाय एट, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस में थ्री पाई बाय एट, लिख सकते हैं क्योंकि एट पाई माइनस में फाइव पाई, और थ्री पाई क्या हो जाएगा फाइव पाई एलसीएम लेने पर, और ये आएगा वन प्लस में कोस, इसको मैं लिख लेता हूँ पाई माइनस में पाई बाय एट, एलसीएम लेने पर वही सेवन पाई, इसका बेनिफिट क्या होगा, ये बन जाएगा वन प्लस में कोस पाई बाय एट, और ये बन जाएगा वन प्लस में कोस थ्री पाई बाय एट, लेकिन ये बनेगा मेरे पास पाई पे नो चल, लेकिन पाई माइनस जा रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में ये क्या रहता है नेगेटिव, तो ये माइनस का कोस थ्री पाई बाय एट, और यहाँ बनेगा वन माइनस में कोस पाई बाय एट। यहाँ देखो इन दोनों की अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये क्या है वन प्लस में कोस थीटा और ये वन माइनस में कोस थीटा, तो वन ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर वन का स्क्वायर वन ही होते हैं माइनस में बी स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, ठीक है। वन माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर पाई बाय एट, और ये भी क्या आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर थ्री पाई बाय एट। यहाँ मैं आइडेंटिटी यूज करूंगा, देखो क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस में कोस ऑफ टू थीटा डिवाइड बाय टू, इसी आइडेंटिटी का मैं यहाँ यूज करूंगा, तो इसका बेनिफिट क्या होगा, ये तो टू आ जाएगा और ये आ जाएगा वन माइनस में कोस टू थीटा, इस एंगल का क्या हो जाएगा डबल, और डबल करने पर यह बन जाएगा कोस पाई बाय फोर, इनटू में इसकी बात करें तो डिवाइड में तो टू आ गया, ये आ जाएगा वन माइनस में, अब देखो क्या है माइनस में क्या आएगा ये कोस थ्री पाई बाय फोर आएगा, ये है वन माइनस में कोस पाई बाय फोर में मेरे पास क्या होता है वन बाय रूट टू डिवाइड बाय टू इनटू में वन माइनस में, देखो कोस थ्री पाई बाय फोर है, थ्री पाई बाय फोर को मैं लिखूंगा कोस पाई माइनस में पाई बाय फोर, और पाई माइनस में फिर से ये क्या आ जाएगा नेगेटिव पाई बाय फोर आएगा क्योंकि पाई माइनस जा रहा है, तो ये माइनस माइनस जो है प्लस का हो जाएगा और ये आ जाएगा वन बाय रूट टू डिवाइड बाय टू, ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड बाय फोर हो जाएगा क्योंकि टू इंटू टू कितना जाएगा फोर, ऊपर क्या आएगा ये आएगा बी स्केयर मतलब वन बाय रूट टू का होल स्केयर क्या आएगा टू, अब वन बाय टू ये कितना हो जाएगा मेरे पास वन बाय टू डिवाइड बाय फोर इज इक्वल टू क्या जाएगा वन बाय एट, तो इसको सोल्व करने पर आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास सी, ठीक है, तो मतलब वन बाय एट आ जाएगा, ओके, तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, ये कहता है इफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू वाई इंटू कोस थीटा प्लस में टू पाई बाय थ्री एंड इज इक्वल टू जेड इंटू में, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, की वैल्यू जो है मेरे को फाइंड आउट करनी थी एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स, क्या करते हैं इसको मैं एक्स वाई जेड से मल्टीप्लाई और एक्स वाई जेड से डिवाइड, जब मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ एक्स के डिवाइड में एक्स वाई जेड आएगा तो ये इससे कैंसिल होकर वन वाई जेड, इसके डिवाइड में एक्स वाई जेड आएगा तो वाई जेड कैंसिल होकर वन वाई एक्स, सिमिलरली इसके डिवाइड में एक्स वाई जेड आएगा तो यहाँ जेड और एक्स कैंसिल होकर वन वाई, तो इसका मतलब वन बाय एक्स प्लस में वन बाय वाई प्लस में वन बाय जेड, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, मैंने मल्टीप्लाई किया इसको और डिवाइड में किया तब ये चीज़, ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स वाई प्लस में वाई जेड प्लस में जेड एक्स को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब देखो क्या करते हैं तीनों इक्वल हैं, इस तीनों को मैं किसी एक नंबर के इक्वल मान लेता हूँ के इक्वल, तो एक्स कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा के, तो दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू के बाय कोस थीटा और वन बाय एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा बाय के, सिमिलरली मैं y की वैल्यू निकालूंगा तो मतलब y क्या आएगा मेरे पास cos थीटा प्लस में 2 पाई बाय 3 डिवाइड बाय k, और सिमिलरली 1 बाय z इज इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास cos ऑफ थीटा प्लस में 4 पाई बाय 3 डिवाइड बाय k, इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ 1 बाय x प्लस में 1 बाय y प्लस में 1 बाय z, ऐड करने पर 1 बाय k तीनों में कॉमन है तो यहाँ आएगा मेरे पास cos थीटा प्लस में यहाँ आएगा cos थीटा प्लस में 2 पाई बाय 3 और यहाँ आएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस में 4 पाई बाय 3, फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ 1 बाय के को तो एस टीज रखता हूँ, ये क्या आएगा कोस थीटा प्लस में कोस ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए साइन बी, ठीक है, और यहाँ क्या होगा कोस ए कोस बी माइनस में साइन ए और साइन बी, ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब देखो वन बाय के
ये क्या आएगा मेरे पास कोस थीटा प्लस में कोस 2π/3। कोस 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ, देखो 2π/3 को मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस में π/3, और उस केस में ये नेगेटिव रहेगा और माइनस π/3 है, π/3 का मतलब 60 और उसकी वैल्यू क्या होती है 1/2। तो इसका मतलब ये कि कोस 2π/3 की जो वैल्यू रहती है वो मेरे पास क्या रहती है माइनस का 1/2 माइनस में साइन थीटा। अब साइन 2π/3 की जो वैल्यू रहेगी वो मेरे पास क्या रहेगी √3/2, तो इसको मैं लिखूंगा √3/2। ये प्लस में क्या आ जाएगा कोस थीटा। अब 4π/3 की वैल्यू भी क्या रहेगी मेरे पास यहाँ माइनस का 1/2, और प्लस माइनस में ये साइन थीटा बाय 2 और इसकी वैल्यू भी √3/2, ठीक है, लेकिन माइनस का। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का। अब देखो ये माइनस का टर्म है, ये प्लस का टर्म है, तो ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। ये क्या है कोस थीटा, ये माइनस का 1/2, ये माइनस का 1/2, तो प्लस का 1/2 हो जाएगा, सॉरी माइनस का 1/2 और ये माइनस का 1/2, तो हाफ हाफ प्लस में हाफ क्या होता है 1 हो जाता है, तो ये 1 कोस थीटा हो जाएगा और ये भी कोस थीटा, तो ये इन दोनों से कैंसिल, तो सारे कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा 0। तो देखो इस इतनी टर्म की वैल्यू अगर 0 तो यहाँ मैं पुट करूंगा तो ये सारे टर्म क्या आ जाएगी, और 0 तो ये किसके इक्वल है एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स के इक्वल है, तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा। तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस। इक्वेशन क्या दी हुई है मेरे पास, ए टेंजेंट थीटा प्लस में बी सीकेंट थीटा इज इक्वल टू सी। मैं इसको लिख लेता हूँ, इस बी को इधर ले जाता हूँ, सीकेंट को इस साइड में ले आता हूँ, तो ए टेंजेंट ऑफ थीटा माइनस में सी इज इक्वल टू बी सीकेंट थीटा स्क्वायर बोथ साइड ए टेंजेंट थीटा माइनस में सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू में क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर, क्या आएगा सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। यहाँ ए स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में 2ab इज इक्वल टू, इस बी के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा बी स्क्वायर प्लस में क्या आएगा बी स्क्वायर इंटू में टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इन दोनों टर्म को इधर ले आता हूँ, इधर लेके आएंगे तो ये बी स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, इसमें टेंजेंट स्क्वायर और यहाँ भी टेंजेंट स्क्वायर है, वो कॉमन लेके आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 2ac टेंजेंट थीटा, और ये आ जाएगा प्लस में सी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कहता है कि अल्फा और बीटा इस दो इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे। अब सॉल्यूशन की बात करूं तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेता हूं। सम ऑफ रूट मतलब टेंजेंट अल्फा प्लस में टेंजेंट बीटा, ठीक है, इसके दो सॉल्यूशन है, मतलब वैल्यू है टेंजेंट थीटा की, टेंजेंट के अंदर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस में टेंजेंट ऑफ बीटा, सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है माइनस का बी बाय ए, माइनस का बी बाय ए मतलब टेंजेंट थीटा का जो कोफिशियंट है उसका माइनस 2ac, क्योंकि यहाँ माइनस है माइनस माइनस प्लस हो जाए, भाई ए का मतलब टेंजेंट स्क्वायर का कोफिशियंट, वो क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये आया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके इक्वल होता है टेंजेंट अल्फा इंटू में टेंजेंट बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए मतलब कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइड बाई ए, तो ये क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। अब इसका यूज कहाँ करना है, वैल्यू निकालनी है मेरे को टेंजेंट अल्फा प्लस में बीटा, टेंजेंट अल्फा प्लस में बीटा। अब टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी, टेंजेंट ए प्लस में टेंजेंट बी डिवाइड बाय 1 माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी। वैल्यू पता है, यहाँ वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, प्लस की वैल्यू क्या है मेरे पास ये रही 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर डिवाइड बाय, इसकी वैल्यू क्या है ये रही मेरे पास 1 माइनस में सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, और यहाँ एलसीएम लेंगे इसके साथ हो जाएगा, तो ये कहेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई, तो ये माइनस का सी स्क्वायर, ये प्लस का बी स्क्वायर और डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर, ये इससे कैंसिल, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल, तो 2ac डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर, तो सॉरी ए जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है वन रूट ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का मेरे को एक रूट क्या है फाइंड आउट करना था, ठीक है। तो सिंपल है, दोनों साइड क्या कर देते हैं 2 से डिवाइड कर लेते हैं, क्या दिया हुआ है √3 cos ऑफ थीटा प्लस में sin थीटा इज इक्वल टू √2, दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा और यहाँ भी 2, ठीक है। अब देखो इस √3/2 को मैं क्या लिखूंगा, वही चीज़ है, इस √3/2 को लिख लेता हूँ मैं, ये क्या आ जाएगा मेरे पास cos 60 भी लिख सकता हूँ, sin 60
ठीक है, तो ये क्या आएगा साइन 60 इंटू में कोस ऑफ थीटा प्लस में इस 1/2 को क्या लिखूंगा मैं कोस 60 इंटू में साइन थीटा इज इक्वल टू, देखो क्या होता है रूट 2/2 की जो वैल्यू होती है वो मेरे पास क्या होती है 1/√2, क्योंकि इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू में रूट 2, तो ये रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया 1/√2, तो ये 1/√2। अब ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, किसका फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी का, तो ये आएगा मेरे पास साइन ए प्लस में बी इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा साइन, ये क्या जाएगा 60 का मतलब क्या आ जाएगा पाई बाय 3 प्लस में थीटा इज इक्वल टू 1/√2 को मैं लिख सकता हूँ साइन पाई बाय 4, कंपेयर करेंगे तो यहाँ साइन का एंगल ये और यहाँ साइन का एंगल पाई बाय 4 है, इसका मतलब पाई बाय 3 प्लस में थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो थीटा की अगर मैं वैल्यू की बात करूँ तो पाई बाय 4 माइनस में पाई बाय 3 हो जाएगा, एलसीएम लेने पर क्या आएगा 12, इसकी प्रोडक्ट यहाँ, तो ये 3 पाई माइनस में 4 पाई, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का पाई बाय 12, तो थीटा की जो वैल्यू वो मेरे पास आई माइनस का पाई बाय 12, ठीक है। अब देखो माइनस का पाई बाय 12 है तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा डी आ जाएगा बस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ टेंजेंट ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/3 देन साइन थीटा इज, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी, टेंजेंट थीटा जो है वो माइनस का 4/3 है, ठीक है, टेंजेंट थीटा मेरे को पता है, साइन थीटा की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो देख तो देखो क्या है टेंजेंट थीटा से मैं सीकेंट थीटा निकाल लेता हूँ, सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस में टेंजेंट स्क्वेयर थीटा का स्क्वेयर और रूट, ठीक है, तो ये आएगा 1 प्लस में इसका जो मैं स्क्वेयर करूंगा तो ये क्या आएगा 16/9 और एलसीएम लेने पर मेरे पास क्या आएगा 9 और ये क्या आ जाएगा 25/, क्योंकि 9 ये 9 आ जाएगा यहाँ एलसीएम लेने पर 9 प्लस में 16 का 25 और इसका स्क्वेयर रूट करने पर प्लस माइनस 5/3, ठीक है, तो सेकंड थीटा की वैल्यू जो है मेरे पास ये आ गई प्लस माइनस 5/3। अब मेरे को पता नहीं है प्लस का या माइनस का, किसने नहीं दिया हुआ कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वैसे टेंजेंट नेगेटिव दिया हुआ है इसका मतलब थीटा जो है वो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा या थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है ना, इसके अलावा किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पता है, अगर मैं कोस की बात करूं तो कोस ऑफ थीटा हो जाएगा मेरे पास प्लस माइनस 3/5, मतलब सेकंड का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, सेकंड थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/cos ऑफ थीटा। अब कोस थीटा पता है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है अंडर रूट 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा, वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा मतलब इसका स्क्वायर और ये क्या आएगा 9/25 और 25 माइनस में 9 कितना हो जाएगा 16/25, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5, इसका मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू है वो क्या 4/5 भी हो सकती है और माइनस का 4/5 भी हो सकती है, तो इसका मतलब बी जो इसका करेक्ट आंसर है, तो बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ साइन थीटा एंड कोस थीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस देन ए बी सी सेटिस्फाई द इक्वेशन, इनमें से कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। देखो साइन थीटा और रूट कोस थीटा जो है वो इस इक्वेशन के क्या है मेरे पास रूट्स है, इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर माइनस में बी एक्स प्लस में सी इज इक्वल टू जीरो, तो रूट्स दिए हुए तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस में कोस थीटा मतलब सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है एक्स के कोफिशियंट का नेगेटिव डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट, ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या आएगा बी बाय ए आ जाएगा, तो इसका मतलब साइन थीटा प्लस में कोस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बी बाय ए। अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट ऑफ रूट की मतलब कोस साइन थीटा इंटू में कोस थीटा इज इक्वल टू वो क्या होता है कॉन्स्टेंट टर्म मतलब सी डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट मतलब सी बाय ए आ जाएगा, ठीक है। यहां यूज करता हूं मैं आइडेंटिटी कोस साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस ऑफ थीटा, ये होता है साइन थीटा और कोस थीटा की जो वैल्यू है मतलब ये मेरे पास क्या आ जाएगी साइन थीटा प्लस में कोस थीटा की वैल्यू बी बाय ए है, मतलब ये रही बी बाय ए, तो बी बाय ए का हो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, इसलिए प्लस प्लस आ जाएगा प्लस में 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा प्रोडक्ट की जो वैल्यू है मेरे पास क्या है सी बाय ए। अगर मैं बात करूं एलसीएम की तो एलसीएम ले लो ये क्या आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के इधर मल्टीप्लाई कर दो ये ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस में 2 सी इंटू में ए स्क्वायर बाय ए, एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में 2 ए सी, इस बी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में 2 ए सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ए बी सी जो है वो किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस में 2 ए बी सी को सेटिस्फाई करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके फ्रेंड्स, इस टाइप्स के क्वेश्चन को ऐसे करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू में कोस एक्स, क्या दिया हुआ है साइन एक्स इंटू में कोस एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी। क्या कर लेते हैं, टू से मल्टीप्लाई टू से डिवाइड, जो डिवाइड किया उसको लिख लो। अब ये साइन टू एक्स इंटू कोस एक्स बन गया मेरे पास साइन टू एक्स का फॉर्मूला। मॉडुलस करते हैं, मॉडुलस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा वन बाय टू और यहाँ क्या आ जाएगा साइन टू एक्स आ जाएगा। देखो साइन फंक्शन की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, मॉडुलस की वैल्यू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू वन रहती है। साइन ऑफ थीटा का जो मॉडुलस है वो क्या रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू वन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है सॉरी लेस देन इक्वल टू वन, ठीक है ना, क्या रहता है साइन ऑफ थीटा का जो मॉडुलस है वो क्या रहता है लेस देन इक्वल टू वन। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो वैल्यू है ये जो रहेगा वो लेस देन इक्वल टू वन बाय टू रहेगा। इसने बोला है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो देखो जितनी भी वैल्यू आएगी इस फंक्शन की वो क्या आएगी लेस देन इक्वल टू वन बाय टू। इसका मतलब सारी की सारी जो वैल्यू या तो वन बाय टू के इक्वल हो या वन बाय टू से छोटी होगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हाईएस्ट वैल्यू क्या होगी मेरे पास वन बाय टू, तो इसका जो डी है वो मेरे पास क्या जाएगा करेक्ट, क्योंकि बाकी जो वैल्यूज रहनी है वो क्या रहनी है वन बाय टू से छोटी रहनी है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो मॉडुलस होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू वन आता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ साइन 20 साइन 40 एंड साइन 60 एंड मेरे पास क्या दिया हुआ है साइन 80। तो सबसे पहले यहाँ देखो साइन 60 की वैल्यू मेरे को पता होती है क्या है रूट थ्री बाय टू इंटू में, अब बचा मेरे पास साइन 20 इंटू में साइन 40 इंटू में साइन 80 डिग्री। मैं इसको लिख लेता हूँ, ये तो है रूट थ्री बाय टू इंटू में, इसको साइन 20 एज इट इज रखते हैं। देखो साइन 40 इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 60 माइनस में 20 और इसको मैं लिख लेता हूँ साइन 60 प्लस में 20। ओके इसको चेंज कर लिया। अब देखो यहाँ जो है मेरे पास क्या जाएगा रूट थ्री बाय टू इंटू में, इसको मैं लिखता हूँ साइन 20 इंटू में। एक मैंने आइडेंटिटी बताई थी क्या साइन ए माइनस बी इंटू में साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर बी, ठीक है ना, ये आइडेंटिटी होती है। तो यहाँ साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी है, तो सेम आइडेंटिटी का यहाँ जो है मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास बन जाएगा, तो ये मेरे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ए कितना है मेरे पास 60 माइनस में साइन स्क्वायर बी कितना है मेरे पास 20, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा मेरे पास रूट थ्री बाय टू इंटू में साइन 20 साइन स्क्वायर 60। साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो रूट थ्री बाय टू होती है, अब स्क्वायर है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 3/4 माइनस में साइन स्क्वायर 20, ये रूट थ्री बाय टू इंटू में साइन 20 इसकी मल्टीप्लाई मतलब एलसीएम लेते हैं तो ये क्या 3 माइनस में 4 साइन स्क्वायर 20 डिवाइड बाय 4। इस साइन 20 के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये क्या रूट थ्री बाय टू इंटू में इस 1/4 को बाहर लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 3 साइन 20 माइनस में 4 साइन क्यू 20, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे पास फॉर्मूला बन गया, क्या फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस में 4 साइन क्यूब थीटा, ये फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 3 थीटा का। तो यहाँ जो है मेरे पास आ जाएगा रूट थ्री बाय टू इंटू 1/4 इंटू में इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला मैंने कहा साइन 3 थीटा का, मतलब अब थीटा की जगह क्या है 20 तो ये क्या हो जाएगा साइन 60 और साइन 60 की वैल्यू फिर से क्या रूट थ्री बाय टू। अब इसको सोल्व करेंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या जाएगा मेरे पास 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 2 कितना जाएगा 4, 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा मेरे पास 16, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3/16, तो सी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इनकी वैल्यू जो है मेरे को क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल है, इसको कैसे करेंगे, ये कितना दिया हुआ है कोस पाई बाय 5, ठीक है, इंटू में कोस 2 पाई बाय 5 इंटू में कोस 4 पाई बाय 5 इंटू में कोस 8 पाई बाय 5। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करने का क्या वे है, मैं इसको क्या कर लेता हूँ 2 साइन पाई बाय 5 से मल्टीप्लाई और 2 साइन पाई बाय 5 से डिवाइड। इसका बेनिफिट क्या होगा, ये जो डिवाइड किया उसको तो मैं एस टी जी रखता हूँ। यहाँ देखो 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो ये कहता है साइन 2 थीटा, तो यहाँ जो बनेगा मेरे पास वापस क्या बन जाएगा साइन 2 पाई बाय 5, क्योंकि 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा साइन 2 थीटा होता है, इंटू में फिर से देखो क्या बन गया कोस पाई 2 पाई बाय 5 इंटू में क्या कोस
4 बाय 5 इंटू में कोस 8 बाय 5। अब फिर से मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, इसका क्या हो जाएगा मेरे पास 1 बाय 4, ये हो जाएगा साइन पाई बाय 5 इंटू में, फिर से देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया, मतलब ये साइन 4 बाय 5 इंटू में क्या हो जाएगा कोस 4 बाय 5 इंटू में कोस 8 बाय 5, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ये नीचे 8 हो जाएगा तो 1 बाय 8 साइन पाई बाय 4, फिर से ये फॉर्मूला बन गया साइन क्या हो जाएगा 8 पाई बाय 4 साइन 8 पाई बाय 4, फिर से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला इंटू में 8 पाई बाय 5, फिर से 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो ये आएगा 1 बाय 16 और ये फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास साइन 16 पाई बाय 5 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 5, साइन 16 पाई बाय 5, 16 साइन बाय पाई बाय 5 को लिख सकता हूँ साइन 3 पाई प्लस में पाई बाय 5, लिख सकते हैं एलसीएम लेके देख लो साइन 3 पाई बाय 5 वापस क्या आ जाएगा 16 पाई बाय 3 पाई, 3 पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, यहाँ मैं लिख देता हूँ ये क्या आएगा 1 बाय सिंपल आएगा, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चेंज नहीं होता, ये क्या आ जाएगा साइन वापस क्या आ जाएगा मेरे पास पाई बाय 5 डिवाइड बाय साइन पाई बाय 5, लेकिन 3 पाई प्लस जा रहा है तो देखो क्या होता है मेरे पास ये 2 पाई होता है और ये क्या होता है पाई, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊँगा तो ये 2 पाई आएगा और 2 पाई में यहाँ जाऊँगा तो ये 3 पाई हो जाएगा वापस, तो अब 3 पाई यहाँ 3 पाई है और 3 पाई प्लस जा रहा है आगे जा रहा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या रहता है नेगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या माइनस का 1 बाय 16, तो इसका जो आंसर है वो मेरे पास क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 3 टेंजेंट थीटा माइनस में 15 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, तो देखो इस टर्म को मैं इधर ले आता हूँ, क्या इसको मैं लिख लेता हूँ टेंजेंट थीटा प्लस में 15 डिवाइड बाय टेंजेंट थीटा माइनस में 15 इज इक्वल टू क्या है मेरे पास 3, इसको मैं 1 लिख, इसमें क्या कर लेते हैं कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो रूल जो है वो अप्लाई कर लेते हैं, मतलब क्या कि ऊपर वाले टर्म के अंदर नीचे वाले टर्म में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, और डिवाइड कर देता हूं ऊपर वाले टर्म में नीचे वाले टर्म में माइनस करके इज इक्वल टू सेम 3 में 1 ऐड कर देते हैं और 3 में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी है, अब थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है मतलब 0-90 के बीच में लाई करता है, अब यहां देखो इसको साइन कोस में जब मैं चेंज करूंगा तो ये मेरे पास बचेगा साइन थीटा प्लस में 15 माइनस में, इसको लिखूंगा मैं क्या साइन थीटा माइनस में, यहां जो है मेरे पास क्या आ जाएगा 15, इसके डिवाइड में क्या आएगा मेरे पास कोस आएगा, ठीक है ना, तो वो आ जाएगा मेरे पास यहां कोस थीटा प्लस में 15 और यहां भी क्या आ जाएगा मेरे पास कोस थीटा माइनस में 15, सिमिलरली यहां आएगा मेरे पास साइन थीटा प्लस में 15 डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस में 15 और माइनस में, इसको लिखूंगा साइन थीटा माइनस में 15 डिवाइड बाय कोस थीटा माइनस में 15, एलसीएम अगर मैं लूँ तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी साइन के साथ, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ होगी तो ऊपर बनेगा मेरे पास यहाँ प्लस है तो साइन ए प्लस में बी का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है ना, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनेगा, साइन ए प्लस बी क्या होता है मेरे पास यहाँ मैं आपको बताता हूँ क्या बनेगा मेरे पास साइन ए प्लस बी, क्योंकि ये कोस इधर इसके मल्टीप्लाई में आएगा और ये साइन इसके इधर मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है। सिमिलरली जब इसका एलसीएम लूंगा तो ये मेरे पास साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, तो वहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से तो जो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये मेरे पास बनेगा कुछ ऐसा साइन, इन दोनों को ऐड करोगे तो मेरे पास 2 थीटा डिवाइड बाय, ठीक है ना, ए प्लस बी करोगे, जब ए माइनस बी करोगे तो डिवाइड में क्या आएगा साइन ऑफ यहाँ ए माइनस में मतलब 30 डिग्री, ठीक है, इस टाइप से आएगा। इसको सोल्व कर लेना, आगे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, देख लेना कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करती है, वो आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है इफ कोस ए प्लस बी इज इक्वल टू ये है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू ये है देन ए जो लाइज इन बिटवीन, ए जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है 0 से पाई बाय 4 के बीच में लाई करता है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट 2a, टेंजेंट 2a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मैं इसको लिख लेता हूँ टेंजेंट 2a को मैं लिख लेता हूँ ए प्लस में ए, ठीक है। अब इसमें क्या कर देते हैं ए बी ऐड कर देते हैं और इसमें बी माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको लिख लेता हूँ टेंजेंट, इसको ए मान लेते हैं तो टेंजेंट ए प्लस में इसको मैं बी मान लेता हूँ टेंजेंट बी
डिवाइड बाय वन माइनस में टेंजेंट ए इंटू में टेंजेंट बी, ठीक है। अब इसको साइन कोस में चेंज कर लेंगे, साइन कोस में चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस में बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस में बी, प्लस में साइन ए माइनस में बी डिवाइड बाय कोस ए माइनस में बी, ठीक है। और एलसीएम लेंगे तो ये क्या आएगा, वन माइनस में ये क्या आएगा, साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कोस ए प्लस बी इंटू में कोस ए माइनस में बी। अब एलसीएम ले लो या सीधी डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लो, सभी की वैल्यू मेरे को पता है, फोर बाय फाइव साइन कोस ए प्लस बी की वैल्यू पता है, साइन ए माइनस बी की वैल्यू पता है, ठीक है ना। तो अब कोस ए प्लस बी से आप क्या निकाल सकते हो, साइन ए प्लस बी निकाल सकते हो, कैसे, आपको पता है कि साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वन माइनस में कोस केयर थीटा। अब ये तो पता ही है, ए प्लस बी कोस ए प्लस बी है मतलब थीटा की जगह ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी, साइन ए माइनस बी की वैल्यू पता है तो कोस ए माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी, वो सारी की सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर देना, आपका जो आंसर वो आ जाएगा, कैलकुलेशन है बस, ठीक है। ओके, तो कैलकुलेशन करने पर आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये क्वेश्चन का जो आंसर जो है मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं, और इस जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 15 दोनों का जो आंसर आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतनी 15 क्वेश्चन लिए थे मैंने, 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, एनडीए के एग्जाम के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है ना। तो बाकी जो क्वेश्चन है आगे की वीडियो में जो है मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बता देता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आगे जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको मिल जाए। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर उस क्वेश्चन को शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और साथ में आपको बता देता हूँ कि पहले जो मैं वीडियो बनाने से पहले जो क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वहाँ मैं जो ग्रुप के अंदर जो है सेंड कर देता हूँ, ताकि आप उस क्वेश्चन को भी अपने आप से सोल्व करें, और उसके बाद अगर जो नहीं होता है आप वो वीडियो से देख लें। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।